अगर आपके पास कोई 20 mm हैमर ड्रिल है और वो बीट नहीं घूम रहा है तो ये वीडियो आपके लिए। तो सबसे पहले टेस्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये मशीन में दोस्तों बीट घूम नहीं रहा है सही से। थोड़ा प्रेशर के अगर पड़ेगा इसमें तो बिल्कुल भी नहीं घूमेगा। अभी भी यहाँ पे मैं पकड़ रहा हूँ तो भी ये सही से घूम रहा है, कभी कभी घूम रहा है, कभी कभी नहीं घूम रहा है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है कि इसमें बहुत बड़ी डाउट होता है कस्टमर को। अगर इस मशीन को खोलते हैं तो अंदर में कोई भी दिक्कत नहीं होता है, सब कुछ चेक कर लो कि बिल्कुल सब कुछ सही है, तो माइंड में डाउट क्रिएट होगा कि इसमें क्या दिक्कत है, किसको चेंज करना है और किसको चेंज करने के बाद इसका प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। और मैंने इसको मशीन को खोला हूँ, खोलने के बाद मुझे पता चला इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और एक ही प्रॉब्लम है जो आप पकड़ ही नहीं सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको मशीन को ही रिपेयर करना है तो मेरे एड्रेस पर मशीन भेज सकते हो, साइड में आपको एड्रेस मिल जाएगा। और कोई भी स्पेयर पार्ट्स खरीदना चाहते हो तो भी आपको साइड में आई बटन मिल रहा है राइट साइड के ऊपर, वहाँ पे क्लिक करके जाके मेरे वेबसाइट में परचेज कर सकते हो। पेमेंट कर दीजिएगा, एड्रेस भर दीजिएगा, वेबसाइट में पार्सल हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से देखिए मैं मशीन को खोल रहा हूँ, यहाँ पे देखिए टेपर वेयरिंग इसका है बिल्कुल सही है, यहाँ पे इसका 2/3 शाफ्ट है ये भी बिल्कुल सही है, पिस्टन स्ट्राइकर उसके अंदर ओ रिंग सब कुछ बिल्कुल सही है। यहाँ पे मैं उसका ओ रिंग खोल लेता हूँ और ओ रिंग भी चेंज चेक करना जरूरी है क्योंकि हाँ वनिंग का भी प्रॉब्लम हो सकता है। ओके तो हाँ बिल्कुल स्ट्राइकर बिल्कुल सही है और यहाँ से ओ रिंग भी बिल्कुल सही है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है, प्रेशर में भी कोई दिक्कत नहीं है। पिस्टन स्ट्राइकर के लिए बीट नहीं घूम का उसका कोई मतलब नहीं है, हैमरिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, फिर भी हम चेक कर लेते हैं क्योंकि सब कुछ चेक करना है। बिल्कुल सही है टेपर बेयरिंग। अभी मैं इसको खोलूँगा टूल होल्डर। ओके तो इसको हमको खोलना ज़रूरी है। तो ये शार्क क्लिप को खोलने के बाद माउथ सेट पूरा निकल जाएगा। ओके तो यहाँ पे हमारा माउथ सेट निकल रहा है और ये अगर आपका मशीन में बीट निकल रहा है तो ये माउथ सेट को चेंज करना पड़ेगा। आई बटन में लिंक मिल जाएगा माउथ सेट का, परचेज कर सकते हो, पूरा सेट मिलेगा बॉल के साथ, बॉल भी सिंगल पीस चाहिए वो भी आप अवेलेबल है, वहाँ पर भी जाके परचेज कर सकते हो। बट अच्छा होगा सेट चेंज करना क्योंकि उसमें वाशर वगैरह रहता है, वाशर में भी दिक्कत होता है, वाशर की वजह से भी आपका मशीन में प्रॉब्लम हो। ये जो गियर ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको इसको चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकता है बट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीडल बेयरिंग भी बिल्कुल सही है, नीडल बेयरिंग खराब होने से भी यहाँ पे देख बड़ा वाला नीडल बेयरिंग वो भी खराब होने से भी दिक्कत होता है, फिर भी ये सही है। प्रॉब्लम है तो ये ब्लैक कलर बॉडी में, तो ये बॉडी ही प्रॉब्लम होता है। अगर आपका मशीन में हैमरिंग का प्रॉब्लम रहता है वो भी बड़ी प्रॉब्लम रहता है, मतलब बाहर से अंदर से जितने भी प्रॉब्लम है, अंदर में जितने भी स्पेयर पार्ट्स है चेक कर लो कि बिल्कुल सही होगा। अगर आपको कोई डाउट होना चाहिए तो ये बॉडी में होना चाहिए, हैमरिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें ये होता है कि बीट नहीं रोटेट करता है, अंदर में खोल लो कि सब कुछ सही है, सिर्फ ये बॉडी चेंज करने से आपका हैमरिंग हो जाएगा प्लस आपका मशीन में जो बीट रोटेट नहीं करता है वो भी हो जाएगा। तो नॉर्मल बीट में बीट से प्रॉब्लम होता है, बीट लगा लोगी तो ये हम बीट नहीं रोटेट कर रहा था तो ये दिक्कत हो रहा था। तो मैंने उसको चेक कर लिया और प्रॉब्लम यहाँ पे दिखा कि मुझे ये गियर हाउसिंग जो ब्लैक बॉडी, तो ये इसमें प्रॉब्लम ये होता है दोस्तों, जहाँ पे इसका शाफ्ट लगता है, छोटा सा शाफ्ट लगता है वहाँ पर भी प्रॉब्लम हो सकता है, प्लस इसमें जो बेयरिंग जहाँ पे ये देखिए बेयरिंग जहाँ पे बीट रहा है वहाँ पर भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये खाया जाता है स्पेशली, ये खाया जाता है हाउसिंग, तो इसलिए प्रॉब्लम होता है मतलब घिस जाता है। तो मैं इसको बिठा लेता हूं।
तो यहां से मैं उसका नीडल बेरिंग को पीट के बिठा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे बिल्कुल हमारा फिटिंग हो चुका है। तो अभी हम बैक साइड खोलेंगे। मैं उसको खोल जब फिटिंग करा था तो आर्मेचर निकल गया था, तो इसलिए मैं कार्बन को खोल लिया, क्योंकि आप आर्मेचर अगर निकल गया है तो कार्बन को आपको दोबारा नहीं लगा पाओगे। आर्मेचर को खोल के, कार्बन को खोल के फिर आर्मेचर को लगाना है। और यहाँ पे गियरिंग, गियर यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ। गियर का थोड़ा हाइट वाला पोजिशन नीचे रहेगा, प्लेन वाला ऊपर। तो यहाँ पे पिस्टन चेक करने का तरीका मैं यहाँ पे बताऊँ। देखिए, मैं यहाँ पे अंदर ये 20 mm का पिस्टन दो होल रहता है, मैं पूरा अंदर दे दूंगा, ये अंदर से फिक्स हो जाएगा। आपको ऊपर नीचे होने से पता नहीं चलेगा आपको ऊपर नीचे हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए प्रेशर क्रिएट हो रहा है, प्रेशर रह रहा है। तो यहाँ से ग्रीस दे रहा हूँ, फिर स्टाइकर लगा रहा हूँ। और ये देखिए यहाँ पे एक होल है, ये वाला होल को हाथ में पकड़िए, इसको बंद कीजिए। फिर आपका मशीन में जो स्टाइकर पिस्टन के अंदर ऊपर नीचे होगा, फिर आपको पता चलेगा आपका स्टाइकर पिस्टन बिल्कुल सही है, ओ नहीं सही है। ओके, तो यहाँ पे टेपर बेरिंग ये लगा रहा हूँ। टेपर बेरिंग का ये जो खाचा रहता है, वो खाने 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 के बाद अगर खा जाएगा तो आपका मशीन में हमारिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, हमारिंग नहीं होगा। क्योंकि ये टेपर बेरिंग, अगर ये जो खाचा रहता है यहाँ पे तो फिंगर के पास, तो अगर ये खा जाएगा तो आपका मशीन में हमारिंग का नहीं होगा, क्योंकि टेपर बेरिंग नहीं घूमेगा। तो उधर से अपने भी अगर खाचा खराब हो जाएगा तो भी आपका मशीन में हमारिंग नहीं होगा, क्योंकि टेपर बेरिंग नहीं घूमेगा। टेपर बेरिंग अगर नहीं घूमेगा तो आपका पिस्टन ऊपर नीचे नहीं होगा, पिस्टन ऊपर नीचे नहीं होगा, स्ट्राइकर प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा, फिर आपका मशीन में बिल्कुल हमारिंग नहीं होगा, सिर्फ मशीन घूमेगा। तो यहाँ से ये वाला पोजिशन, ये देखिए मैं थोड़ा बाहर खींच रहा हूँ, तो ये सिर्फ देखिए तो उधर साफ ही घूम रहा है, क्योंकि टूल होल्डर नहीं घूमे। जब हम अंदर प्रेस करेंगे फिर ये टूल होल्डर घूमेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ही होता है कि मशीन में टू-थर्ड शाफ्ट जो रहता है वहाँ पे सिर्फ घूमता है, बट आगे वाला पोजीशन नहीं घूमेगा, क्योंकि ये हाउसिंग खराब है। कहीं ना कहीं ये थोड़ा बैंड हो जाता है, कभी कभी ये खा भी जाता है, तो इसके वजह से ये प्रॉब्लम होता है। कुछ भी ले लो, ये होता है, प्रॉब्लम होता है। आप चेंज कर लो हाउसिंग, गियर हाउसिंग। इसका गियर हाउसिंग का भी लिंक मिल जाएगा, जाके परचेज कर सकते हो। अगर आप परचेज अगर बना नहीं पाओगे तो मेरे एड्रेस पे भी मैसेज भेज सकते हो, साइड में आपको मिल जाएगा मेरा एड्रेस, आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, नीचे आपको मेरा कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। कांटेक्ट करने के बाद आसानी से मशीन भेज सकते हो, यहाँ से प्रॉपर तरीके से रिपेयर होकर चला जाएगा। तो फिर आपका आने का, जब आप भेजोगी सिर्फ उसी का आपको खर्चा पड़ना देना है। और यहाँ से जब मैं रिपेयर करके भेजूँगा, यहाँ से मैं मेरे शिपिंग कस्ट मैं खुद दे के आपको भेजूँगा। सिर्फ आपको रिपेयरिंग का, जहाँ पे इसमें जो स्पेयर पार्ट्स लगता है ओनली उसी का ही स्पेयर का खर्चा देना पड़ेगा। फिटिंग चार्ज, सर्विसिंग चार्ज पूरा फ्री रहेगा आपके लिए। और हमेशा ध्यान दीजिएगा, इंडिया पोस्ट में भेजिए, सस्ता में आ जाएगा, कुरियर में बहुत महंगा पड़ता है। यहाँ पे मैं कार्बन लगा लिया हूँ, ये बार छोटा मोटा मशीन 26 mm 20 mm आपका मशीन में 100 रुपये के अंदर मेरे पास आके पहुँच जाएगा इंडिया पोस्ट में। तो यहाँ पे मशीन चला रहा हूँ, बिल्कुल सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अभी इसका नोब लगाएंगे। नोब लगाने से पहले ध्यान दीजिएगा, बॉल में टू-थर्ड शाफ्ट में लगाया था, टू-थर्ड शाफ्ट में बॉल रहना चाहिए। अगर बॉल नहीं रहेगा आपका मशीन में हमारिंग कंटिन्यू करेगा, प्लेन मोड में नहीं चलेगा। ऐसे ही प्लेन मोड किसी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है, प्लेन मोड में बहुत कम यूज होता है। ओके, तो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ माउस सेट। स्प्रिंग, ऊपर वाशर, फिर बॉल, फिर ऊपर में एक मोटा सा वाशर, फिर माउथ क्या प्रोटेक्शन स्लिप जिसको बोलते हैं, फिर उसके ऊपर एक लॉक, क्योंकि ये 20 mm है। ओके, तो यहाँ पे शार्क क्लिप लगाएंगे, ये वाला शार्क क्लिप प्लायर में, फिर हम उसको प्रेस करके ये शार्क क्लिप लगा लेंगे अंदर, क्योंकि यहाँ पे ये टाइट होके फिक्स होता है। यहाँ पे ये टाइट होके फिक्स कर चुका हूँ। और यहाँ पे डस्ट कैप या फिर माउथ कैप लगा लेते हैं, प्रोटेक्टिव कैप भी बोलते हैं। अभी दोस्तों बीट लगा रहा हूँ, बीट लगाने के बाद अभी मैं टेस्ट करूँगा, जो प्रॉब्लम पहले था कि बीट नहीं घूम रहा था, अभी मैं इसको टेस्ट करूंगा। यहाँ पे देखिए
यहाँ से बिल्कुल सही से चला है, कोई दिक्कत नहीं, हमारी बिल्कुल हो रहा है, नॉर्मल मोड में बिल्कुल चला है, बिट ना घूमने का कोई सवाल नहीं है। अगर आप बना रहे हो परफेक्टली तो ये बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू, सब्सक्राइब करके जाना।